वेलकम टू खाना बनाना। आज हम आए हैं श्री गुरु वायुरप्पन टेम्पल में। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, चलिए इस टेम्पल के दर्शन करने चलते हैं और उसके बाद आज हम बनाएंगे खीर। 1/4 कप ऑफ राइस ले लें, इसको हाफ से 1 आवर के लिए सोक करें। अब 6 कप्स ऑफ मिल्क डालें और इसको उबालें। दूध उबल गया है, अब इसमें राइस को अच्छे से मैश करें और इस मैश किए हुए राइस को दूध में डाल दें। इसको लगातार चलाते जाएं। हाफ कप ऑफ आलमंड ले लें, 1/4 कप ऑफ पिस्ता ले लें, हाफ कप ऑफ कैशनट ले लें, इसको महीन चॉप करें। 6-7 इलायची ले लें जिसका पाउडर बनाएं। कोकोनट ले लें जिसको ग्रेट करें, 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट चाहिए। 1/4 कप ऑफ किशमिश ले लें, कैशनट, पिस्ता, आमंड्स, आमंड, पिस्ता और कैशनट ग्राइंड हो गए हैं। दूध अच्छे से इवेपोरेट हो गया है, राइस को अच्छे से मैश करें। अब इसमें चिरौंजी डाल दें। अब इसमें 7 कप ऑफ बॉयल मिल्क डाल दें। दूध में अब उबाल आ गया है, अब इसमें आमंड्स, कोकोनट, पिस्ता, पिस्ता, आमंड और कोकोनट को लगभग 15 मिनट्स के लिए कुक करें। 15 मिनट्स हो गए हैं, अब इसमें कैशनट डाल दें, इलायची पाउडर, पांच मिनट तक इसे पकाएं। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें किशमिश डाल दें। वन कप शुगर डाल दें। अब सब चीज डाल दी है, अब इसे 5-10 मिनट्स के लिए पकाएं। अगर आप ठंडी खीर खाते हैं तो इसमें 1 कप मिल्क और डाल दें, और अगर आपको खीर गर्म पसंद है तो खीर रेडी है। आपकी खीर रेडी है, आमंड और पिस्ता से गार्निश करें। डन टन।